अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, नापाकी की हालत में, हालत जनाबत में, यानी जब आप पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है, उस वक्त में अगर आप कुछ खाना पीना चाहें या खाना खाना चाहें तो ये खाना कैसा है? तो इसकी बिल्कुल इजाज़त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर तरीक़ा ये है कि अगर आप नापाक हैं, आप पर गुस्ल फ़र्ज़ है, तो पहले आप वज़ू कर लें, उसके बाद ही कुछ खाएँ पिएँ, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीक़ाकार था। लिहाजा सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर है 305। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं, वो कहती हैं, काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना जुनूबन फ़अरादा अन याकुला औ यनामा तवज़्ज़अ वुज़ूअहु लिस्सलात। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जुनूब होते थे, हालत जनाबत में होते थे, और आप ये इरादा फरमाते थे कि आप कुछ खाएँ या फिर सोएँ, तो आप पहले वैसे ही वज़ू कर लिया करते थे जैसे नमाज के शुरू में किया जाता है। तो अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो बेहतर तरीका यही है कि आप वुज़ू करके खाएं पिएं, लेकिन अगर बिना वुज़ू के भी आप खाएंगे पिएंगे तो ये कोई नाजायज़ काम नहीं है, ये बिल्कुल जायज़।